हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्लास थर्ड है, सब्जेक्ट में से चैप्टर 7 डिवीज़न है, एक्सरसाइज 7.2 करेंगे। इससे पहले अपने एक्सरसाइज 7.1 कर चुके हैं, उसमें भी अपनों ने डिटेल से पढ़ा था डिवीज़न के बारे में, डिवाइजर के बारे में, रिमाइंडर क्वांटेंट एंड लास्ट देन रिमाइंडर क्वांटेंट, इन सब के बारे में अपनों ने पढ़ा था, डिविडेंड के बारे में पढ़ा था। और आज अपने फिर सेपरेटली पढ़ेंगे कि क्वांटेंट एंड रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन देख सकते हैं, एक क्वेश्चन लिखा है डिवाइड एंड फाइंड द क्वांटेंट एंड रिमाइंडर। तो इसका मीन्स ये हुआ, अब अपने सेपरेट करके पढ़ेंगे, पहले क्वांटेंट फाइंड आउट करेंगे फिर रिमाइंडर, एक क्वेश्चन में क्वांटेंट एंड रिमाइंडर फाइंड करेंगे। देखें क्वेश्चन नंबर ए लिख रखा है, आपको वीडियो को ध्यान से देखना है तो सब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 487 बाय लिखा है 17, आपको 17 का टेबल आते होंगे, इसका मीन्स समझ में आ रहा होगा। 487 बाय 17, इसका मीन्स ये हुआ कि अपनों को 487 से को डिवाइड करना है 17 से। तो पहले अपने इधर इस तरफ लिखेंगे 17 और इस तरफ फॉर्मेट लिख लेंगे 487 ऐसे लिख लेंगे। अब अपनों को इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड कैसे करना है देखें, डिवाइड ऐसे करना है। अब देखें 17 का टेबल अपने अगर 4 मैं तो जा नहीं सकता, क्यों, क्योंकि 17 बहुत ग्रेटर है, 4 तो बहुत लेस है, तो अपने 48 में पढ़ेंगे, तो 17 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे 48 आ जाए, तो 17 बन जा 17, 17 टू जा 34 और 17 तेरा 51। तो आप देख रहे हैं 17 के टेबल में 48 नहीं आता। अब अपने पढ़ें तो लेस तो रहना चाहिए लेकिन ज़्यादा ना हो, तो 17 टू जा कितना हो जाएगा 72 जाएगा 34, माइनस करेंगे इसमें से इसको सबट्रैक्ट, तो आप देख 8 में से 4 अगर कट करेंगे तो कितना बचेगा 4, और अगर अपने 4 में से 3 कट करेंगे तो कितना बचेगा 1। अब आप देख रहे हैं 17 और यहाँ 14, ये तो लेस है, तो आपने क्या करेंगे ये वाला 7 भी यहाँ पर नोट कर लेंगे। अब आपने कितने टाइम, अब 17 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ें कि 146 आ जाए, तो अगर अपनों ने 17 का टेबल लर्न किया होगा, पढ़ा होगा, तो अपनों को मालूम होगा कि 17 के टेबल में 147 नहीं आता, लेकिन लेस आता है। लेस कितना आता है 17 8 जा कितना हो जाएगा 136, 17 8 जा 136। इसमें से इसको अब क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो अगर अपने 7 में से 6 को माइनस करेंगे कितना बचेगा 1, और 4 में से भी अगर 3 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अभी आप इसमें जो मेन चीज़ पूछी गई है वो करेंगे, वो क्या करेंगे, जैसे रिमाइंडर कहाँ है, तो इस जो बच के आता है यहाँ पे नीचे इसको बोलते हैं रिमाइंडर, आर फॉर रिमाइंडर, ये लिखा है आर और इसका मीन्स ये है रिमाइंडर, और ये क्वांटेंट लिखा मैंने क्यू, क्यू मीन्स होता है क्वांटेंट, समझ में आ गया, कॉन्स्टेंट बोलते हैं जिसको। इतना क्लियर हो गया, अभी और भी क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी लेते हैं, बी के थ्रू समझते हैं। बी में लिखा है डिजिट है 9 है 3 और 2 बाय 11। इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें समझें इसका मीन्स है अपने को किससे डिवाइड करनी है 11 से डिवाइड करनी है। तो आप देखें यहाँ पे लिखेंगे 11 9 3 2, अब हमें डिवाइड करना है 11 से 9 3 2 को, तो सिंपल 11 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ें कि 9 3 आ जाए, 2 डिजिट में आए। अब अपने पता है अपनों को, अगर अपने टेबल पढ़ते हैं कर लेंगे। देखें अब आपने क्या करना है, अगर मान लो सपोज दैट 11 का टेबल इतने टाइम्स पढ़ें कि 93 आ जाए लेकिन ग्रेटर ना हो, लेस तो रह जाए, तो 11 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ें 11 बन जाए 11, 11 टू जा 22, 11 थ्री जा 33, 11 फोर जा 44, 11 फाइव जा 55, 11 सिक्स जा 66, 11 सेवन जा 77, 11 एट जा 88 और 11 नाइन जा 99। तो आप देख रखे हैं 11 नाइन जा 99 ज़्यादा हो रहा है, इसलिए अपनों को 11 का टेबल 8 टाइम्स पढ़ना होगा। 11 8 जा 88 हम माइनस साइन लगाएंगे, इसमें से सबट्रैक्ट करेंगे, 3 में से अपने 8 कट करेंगे नहीं हो सकता, इस तरफ 1 बोरो लेंगे हो जाएगा 13, 13 में से 8 कट करेंगे कितना बचेगा 5। क्लियर, अब अपने ये नोट कर लेंगे 2, क्यों, क्योंकि ये 5 जो था वो लेस रह गया था 11 के कंपेयर में। अब अपने को 11 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ना है 52 आ जाए, अपनों को मालूम है कि 11 के टेबल में 52 नहीं आता, इसलिए लेस रहना चाहिए, और लेस कब रहेगा 11 फोर जा 44।
देखेंगे 44 माइनस साइन लगाएंगे। अब यहाँ आप देखेंगे 2 से 4 कट नहीं कर सकते, क्योंकि क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि 2 लेस है और 4 ग्रेटर है, इसलिए अपने 5 में से 1 बोरो ले लेंगे 2 की साइड में, तो कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ से बोरो ले ली और 2 ए तो 12, तो 11 कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा 12, और 12 में से अगर 4 कट करेंगे तो कितना बचेगा 8। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हमें ये लिखना है तो कौन सा क्वांटिटेंट है, कौन सा रिमाइंडर, ये मैंने आपको समझाया, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो नीचे जो बचा ये क्या बचा, रिमाइंडर, और ये क्या बचा, क्वांटिटेंट। आई होप क्लियर हो गया होगा। और भी क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर डी लेते हैं, क्वेश्चन नंबर डी में समझते हैं। क्वेश्चन नंबर डी देखें, लिखा है डिजिट लिखी है, लिखिए 6 9 5 / 12। अब हमें किससे डिवाइड करना है, 12 से डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है 12 से, तो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। देखें बस 12 का टेबल आना चाहिए, 12 और यहाँ पे इस तरह से बॉक्स बना के 6 9 6 9 5। अब अपनों को 6 9 5 में डिवाइड करना है, तो 12 का टेबल आपको आता होगा, सिंपल है, 12 का टेबल आता होगा। देखें 12 5 कितना होता है 60 माइनस 12 5 60। अगर अपने 12 6 कर देंगे तो 72 हो जाएगा, जो कि 69 से ग्रेटर है, और अपनों को लेस तो रह जाए लेकिन ग्रेटर ना हो, डिवाइड की कंडीशन है यहाँ पर। अब देखें 9 में से अगर 0 कट करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, 6 में 6 कट करेंगे 0 है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब अपनों को 9 आ गया, अब यहाँ पे लिखेंगे अपने 5, सिंपल। अब 12 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ें कि 95 आ जाए, तो अपनों को पता है कि 12 का टेबल पढ़ते जाए पढ़ें 12 बन जाए 12 2 जा 24 12 3 जा 36 12 4 जा 48 12 5 जा 60 12 6 जा 72 और 12 8 जा 12 7 जा 84 और 12 8 जा 96। तो आप देख रहे हैं 96 ज़्यादा हो रहा है, तो हमें कितने टाइम पढ़ा है 12 7 जा कितना 84। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब अपने आप देख रहे हैं 5 में से 4 कट करेंगे कितना बचेगा 1, और 9 में से अगर 8 कट करेंगे तो कितना जाएगा 1, सिंपल क्लियर हो गया। अब हमें लिखना है कौन सी डिजिट क्या है। देखें ये यहाँ पे 11 जो है रिमाइंडर है, और 57 क्या है, कॉन्स्टेंट है, क्लियर। और भी क्वेश्चन करें, और भी क्वेश्चन के थ्रू समझें, चलो और भी क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, देखें क्वेश्चन नंबर ई ले लेते हैं और भी समझते हैं, डाउट नहीं रहना चाहिए आपको। डिजिट लिखिए 8 4 2 / कितना है 13, सिंपल करें सॉल्व इसको। इसका मीन्स ये है कि आप अपने को 13 से डिवाइड करना होगा, किससे डिवाइड करना होगा 13 से हमें किससे डिवाइड करना होगा 8 4 2 को, 13 से डिवाइड करना होगा 8 4 2 को, तो सिंपल है, कर सकते हैं। 13 का टेबल आना चाहिए, वैसे भी देखें आपको 20 तक टेबल आने ही चाहिए अच्छी तरह से, बहुत स्ट्रांगली टाइप से आने चाहिए। कैसे, अब 13 का टेबल है तो अपने को तुरंत मालूम होना चाहिए कि कितने टाइम्स पढ़ें कि 84 से लेस तो रह जाए लेकिन ग्रेटर ना हो। तो देखें पढ़ें 13 बन जाए 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52 और 13 5 जा 65 और 13 6 जा 78 और 13 7 जा 91, तो 91 ज़्यादा हो रहा है, तो 13 कितना जाएगा 13 6 जा 78, सिंपल माइनस ना लगाएंगे, कट करेंगे। अब आप देख रहे हैं ऊपर 4 है और नीचे 8 है, तो 4 में से तो 8 कट नहीं हो सकता, इधर इसमें से 1 बोल रहे हैं तो जाएगा 1 4 14, और 14 में से अगर 8 कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, सिंपल। अब आप देख रखें 13 ग्रेटर है 6 लेस है, तो अपने को यहाँ से 2 नोट कर लेना है, सिंपल। अब आपने ना अभी 13 का टेबल पढ़ा, तो 13 के टेबल आपने देखा 13 5 जा कितना होता है 65, ये तो लेस हो रहा है, तो अब आपने कितना पढ़ा 13 का टेबल 4 टाइम्स लेस रहना चाहिए, 13 4 जा 52 माइनस करेंगे, सिंपल। 2 में से 2 कट करेंगे क्या हो जाएगा 0, और 6 में से 5 कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, सिंपल। अब अपने को ये लिखना है कि कौन सी डिजिट क्या है। आप देख पा रहे हैं ये क्या है, रिमाइंडर, और ये क्या है, कॉन्स्टेंट। आई होप क्लियर। अभी क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे समझने के साथ, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर टू में भी क्या किया है, फाइंड क्वांटेंट एंड रिमाइंडर। इसमें भी क्या फाइंड करना है, क्वांटेंट एंड रिमाइंडर, लेकिन देखें डिफरेंस क्या है। अभी क्वेश्चन नंबर ए लेते हैं, उसमें मैं समझाऊंगा। ए है, लिखा है डिज लिखें 6 5 9 3 और डिवाइड बाय कितना लिखा है 33। इसका मीन्स ये हुआ 33 है,
इसका मीन्स क्या हुआ, इसका मीन्स ये हुआ कि क्वांटेंट और रिमाइंडर फाइंड करना है, लेकिन अब अपनों को डिवाइड किससे करना है, बड़ी डिजिट से डिवाइड करना है, ग्रेटर डिजिट से डिवाइड करना है। आपको घबराना नहीं है, टेबल लर्न नहीं होंगे बड़ी डिजिट के, लेकिन अपने कर पाएंगे। देखें इजीली, आपको वीडियो देखना और ध्यान से समझना है। देखें लिखा, इसका मीन्स हुआ 33 से डिवाइड हमें इस करना है, तो इस फॉर्मेट में लिख लें, लिखें 6, 5, 9 और 3। अब अपने क्या करें, ये लिखा है 33, 6, 5, 9, 3, तो इसका मीन्स ये हुआ अब अपनों को 65 में टेबल पढ़ना है। 33 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे, 65 आ जाए। तो अपने इसको रफली स्ट्राइड में करके देख लेंगे, लिखेंगे 33 और 33 को पहले डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, मल्टीप्लाई करके देख लें, तो 1 3 जा 3 और 1 3 जा 3, इसका मीन्स वैसे भी समझ सकते हैं 33 में 33 आएगा। अब आपने देख रखा है 65 भी 33 तो लेस है। अब अपने क्या करें, नीचे और लिख लें और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देखें कितना हो रहा है, 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6। अब आप देख रखे हैं ये 66 आया और ये 65, ये ग्रेटर हो रहा है, तो इसका मीन्स ये हुआ कि आप लोगों को 1 टाइम्स ही लेना होगा, 33 लेना होगा। यहाँ पर कितना लिखना होगा, 33 और यहाँ पर 1, माइनस साइन लगाएंगे। अब इसको आप लोगों को क्या करना होगा, माइनस करना होगा, तो ये लिखा है 5 में से अगर 3 कट करेंगे कितना बचेगा, 2, सिंपल। ये है 6 में से अगर 3 कट करेंगे तो कितना बचेगा, 3, सिंपल। अब आप देख रहे हैं 33 है, 32 लेस है। अब आप लोगों को यहाँ से एक डिजिट नोट कर लेनी है, 9। अब आप देख रहे हैं कि कितना आया, इसको रेज कर देते हैं। अब आप देख रहे हैं 329 है। अब अपने कितने टाइम्स पढ़ें 33 का टेबल, 329 आ जाए या 329 आ जाए या इससे कम रहे, ज़्यादा ना हो, तो हमने इसका मैक्सिमम हमने यहाँ पे लिख लिया 33 लिख लिया, इस तरफ लिख लिया, यहाँ पे 33 लिख लिया। और हमने क्या करा, अभी सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 8 से मल्टीप्लाई करके देखी, अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं तो क्या आ रहा है, 8 3 अगर 24 के 4 2 बचे और 8 3 24 और 2 कितना हो गया, 26। अब आप देख रहे हैं ये 329 है और ये 264 है, यानी लेस है, काफ़ी लेस है। अब अपने क्या करें, यहाँ पे इसी के नीचे यहाँ पे करके देख, चलो इस तरफ करके देख लेते हैं, 33 की 9 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। देखें 93 कितना होगा, 27 के 7 2 बचे और 93 27 और 2 कितना हो जाएगा, 29, ये हुआ 297। अब आप देख रखे हैं लगभग पास में ही है, 329 और ये 297 लगभग, यानी तो इसका मीन्स हुआ कितने टाइम जाएगा, 9 टाइम जाएगा और यहाँ कितना लिखेंगे, 297। ये भी आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल। इसको अपने आप क्या कर देते हैं, रेज कर देते हैं, सिंपल। इसमें सब इसको देखो अपने क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब देखें 9 में से अगर 7 कट करेंगे तो कितना बचेगा, सिंपल 2 बचेगा, 2 में से 9 तो कट नहीं हो सकता, इधर लेंगे बन बोरी देखो 12 और 12 में से 9 कट करेंगे तो कितना बचेगा, 3, सिंपल, यानी 32 बचा। अब अपनों को ये देख रखा 33 ये 32, ये तो लेस है, अपनों को ये वाला 3 नोट कर लेना है, यहाँ पर 3 नोट कर लेना है। अब 33 का टेबल देखें, फिर से आप लोगों ने देखा 297 आता, तो फिर से 9 ही टाइम जाएगा, क्योंकि अपने अगर अपने सपोज दैट 10 टाइम्स पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 330 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। अपने को लेस पढ़ना है, लेस का मीन्स हो जाएगा 9 टाइम्स, 297 माइनस करेंगे फिर से तो कितना बचेगा, 3 में से 7 तो कट नहीं हो सकता, इधर लेंगे बन बोले इधर होगा 13 में 7 कट करेंगे तो कितना बचेगा, 6 और यहाँ कितना बचा, 1 में से 9 कट नहीं हो सकता, इधर लेंगे 11 में से अगर 9 कट करेंगे तो कितना बचेगा, 2, सिंपल। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा लेंथी है लेकिन समझ में आ गया होगा, इसमें प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगर कहीं पे भी ग्रेटर लेंथी टेबल आ जाते हैं तो हम उनमें क्या करके देख लेते हैं, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ये रिमाइंडर हो जाएगा और ये इसका क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अभी और भी क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझा दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सी लेते हैं। अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर लिखा है सी, डिजिट लिखे हैं 8795 डिवाइड बाई 21। इसका मीन्स क्या हुआ, अब अपने किससे डिवाइड करना है, 21 से डिवाइड करना है, सिंपल है, ये भी हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। देखें 21 8795, ठीक, इसको क्लियर करते हैं। अब देखें 21 का टेबल अपने को आना चाहिए। अब 21 का टेबल लाने के लिए अपने क्या करेंगे, अगर टेबल नहीं आता तो मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 21 है, इससे दो काम स्ट्रांग होंगे, एक तो आपको टेबल लर्न हो जाएंगे और दूसरा मल्टीप्लाई करना स्ट्रांग हो जाएगी। 21 में जाए तो 21 होगा, 22 जा 42 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है,
आपने देखा कि 87 तो कितना आना चाहिए लगभग, सपोज दैट अपने 4 से मल्टीप्लाई करके देख लें, ये अपने अगर ज़्यादा हो जाएगा तो ये रफ वर्क है, इसको माइनस कर देंगे, स्किप कर देंगे, रेज कर देंगे, कर करके देख सकते हैं, कम ज़्यादा हो जाएगा तभी उसे रेज कर देंगे, और अगर कम है तो मल्टीप्लाई और बड़ी डिजिट से करके देख लेंगे। 4 बन जा 4 और 4 टू जा 8, यानी 84 आए। सिंपल आप देख रहे हैं 87 84, इससे ज़्यादा अगर अगर फिर अगर सपोज मानो अगर आपने 85 का टेबल पढ़ेंगे तो इसका मीन्स इसमें 21 ऐड करना पड़ेगा, और 21 अगर ऐड करेंगे तो सिंपल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसका मीन्स 4 टाइम्स है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 और यहाँ पे लिखेंगे 84 और माइनस करेंगे 7 में से, अगर 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 3। सिंपल अब आपने लिखेंगे ये वाला 9, ये 9। अब आप देखो सिंपल इसको देखे करते हैं, इसको रेज कर देते हैं, ये रबर था इसको रेज कर दिया। अब अपने देखें इसमें क्या दे रखा है, ये 39 है। अब अगर अपने 21 का टेबल 39 में कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम्स तो जाएगा, 2 टाइम्स जा नहीं सकता, क्यों 42 होता है, इसलिए ओनली 1 टाइम्स ही आएगा, 21 बन जाए 21। इसको भी यहाँ से क्या कर देंगे माइनस, 9 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 8, 3 में से अगर 2 माइनस करेंगे कितना बचेगा 1, 18। आप देख रखें अगर एक टाइम सॉल्व कर देते तो और ज़्यादा हो जाता है 18। अब अपने पास लास्ट डिजिट क्या बची 5, आप उन्होंने यहाँ पे 5 को भी नोट कर लेना है। अब अपने 21 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ें कि कितना आ जाए 185 आ जाए, तो अपने क्या करेंगे फिर देखें, इसको भी समझ सकते हैं अपने, 21 है 21 और 21 को किससे मल्टीप्लाई करके देख लें, सपोज दैट हम 8 से मल्टीप्लाई करके देखें, किससे 8, 8 बन जा 8 और 8 टू जा 16 68। अगर मान लो ये आ गया 68, अगर आपने समझ लें काफ़ी कम है ये 185 185 है 168 है, तो आपने क्या करें 21 को सपोज 9 से मल्टीप्लाई करके देख लें, ये तो अपने 9 बन जा 9 और 9 टू जा 18, तो 100 कितना है 89। अब आप देख रखें ये 185 189, ये तो काफ़ी ग्रेटर हो रहा है, कितने टाइम्स 8 टाइम्स, अगर आपने 8 टाइम्स किया था तो कितना आया था 168 माइनस साइन। अब आप देख रहे हैं 5 में से 8 कट कर देंगे, हो जाएगा नहीं होगा, तो अपने इधर लेंगे बोरो 8 में से अगर 1 बोरो लेंगे इधर तो कितना हो जाएगा 15, और 15 में 8 कट करेंगे तो कितना बचेगा 7, और यहाँ पर 7 में से अगर 6 कट करेंगे तो कितना बचेगा 1। यहाँ पर समझ आया 7 कैसे बचा, क्योंकि अपने 8 था 8 में से 1 इधर ले लिया 15, 15 में से 8 कट करा तो 7, और यहाँ पर 7 में से अगर 6 कट करा तो यहाँ बचा 1। सिंपल क्लियर हो गया नो डाउट, ये हो जाएगा अपना रिमाइंडर, और ये कितना हो जाएगा 10। अभी और क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, अभी देखें क्वेश्चन नंबर एफ है, अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर एफ को करते हैं। क्वेश्चन नंबर एफ में डिजिट लिख रही है 4 है 1 है 0 है 5, और डिवाइड किससे करना है डिवाइड बाय 25। सिंपल 25 से डिवाइड करना है, तो देखें 25 से डिवाइड कैसे करेंगे, 25 को इस तरह से लिखेंगे, डिजिट लिखेंगे 4 1 0 और 5। अब देखें हमें ये करना है 25 से डिवाइड करना है 4 1 0 को, तो सिंपल देखें 24 है तो 24 का टेबल 4 में नहीं जा सकता, 41 में जाएगा, तो 24 का टेबल 41 कितने टाइम जाएगा ओनली 1 टाइम्स, क्यों, क्योंकि 25 बन जाए 25 और 25 टू जा कितना हो जाएगा 50, तो 25 बन जा 25, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 माइनस करेंगे। अब आप देख रखें 1 में से 5 तो कट नहीं हो सकता, इधर लेंगे 1 बोलो तो इधर हो जाएगा 11 में से अगर हम 5 कट करेंगे कितना बचेगा 6, और यहाँ पे 3 में से अगर 2 कट करेंगे कितना बचेगा 1। सिंपल अब आप देखते हैं कितना 25 और यहाँ पे कितना जाएगा 16 लेस है, तो आप लोगों को ये वाला जीरो नोट कर लेना है। 25 का टेबल बहुत ईजी होता है अगर आप समझें तब। अब देखें 25 का टेबल, अब ये देख रखें 160 है, तो 25 का टेबल पढ़ जाएँ, 25 बन जाए 25, 25 टू जाए 50, 25 थ्री जाए 75, 25 फोर जाए 100, 25 5 जा 125, 25 6 जा 150 और 25 7 जा 175, जो कि ज़्यादा हो रहा है, तो हमें यहाँ पे कितना आएगा 25 6 जा 150। सिंपल माइनस साइन लगाएंगे, जीरो में से जीरो कट करेंगे क्या आएगा 0, और 6 में से अगर 5 कट करेंगे तो क्या आएगा 1। सिंपल अब ये तो लेस हो गया, अब अपने लास्ट डिजिट बची है 5, तो अपने 5 नोट कर लेंगे। अब कितना आ गया ये 105। अब 25 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ें, आप लोगों को पता है 25 4 जा 25 4 जा। सिंपल 25 4 जा कितना होता है 100, माइनस करेंगे 5 में से 0 कट करेंगे क्या आएगा
फाइव, जीरो में जीरो कट करेंगे जीरो, वन में वन कट करेंगे जीरो। तो सिंपल सी बात है, क्या बचा, कहाँ क्या आ गया, आप देख रखे हैं क्या आया, ये हो जाएगा रिमाइंडर, और ये कितना हो जाएगा क्वांटेंट। सिंपल समझ आया, सारे क्वेश्चन समझ आए। इसके बाद मैं आपको इसकी PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन आपको वीडियो ज़रूर देखनी है ध्यान से, और वीडियो अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना है और भैया बहनों को शेयर भी करना है, ध्यान से देखनी है वीडियो। और अगर कोई क्वेरी हो तो आप WhatsApp नंबर पे के थ्रू आप पूछ सकते हो, किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हो। आज के इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।